नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। अगले आधे घंटे मेरे साथ देखिए राज्यों से जुड़ी हुई तमाम खबरें। आसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि मौजूदा हेमंत सरकार की गलत नीतियों के कारण आज यहां के युवा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सरकार ने लोगों के हित को नहीं समझा, निजी हित के कारण गलत नीतियों ने जन्म लिया, इससे समाज के कुछ वर्ग पीछे छूट गए हैं। ऐसे में इस व्यवस्था में बदलाव के लिए हर वर्ग के युवाओं को राजनीति में आना होगा। इतना ही नहीं, राज्य के विकास में समाज के हर वर्ग की सहभागिता होनी चाहिए। समाज के सभी तबके को नेतृत्व देने से ही राज्य का विकास संभव है। राजनीति एकल नहीं, सामूहिक जिम्मेदारी है। महतो ने हरमू स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह को संबोधित वो कर रहे थे। मिलन समारोह में कई समाजसेवी और सामाजिक कार्यकर्ता पार्टी में शामिल हुए। उमेश सिंह ने अपने समर्थकों के साथ आसू पार्टी का दामन थामा। इसके पूर्व हरमू मैदान में बड़ी संख्या में समर्थक जुटे और रैली के रूप में पार्टी कार्यालय पहुंचे। पारंपरिक वेशभूषा और ढोल नगाड़ों के साथ ही लोग यहां पर पहुंचे थे। मैं बोला दिल्ली में बाद में, पहले झारखंड में आपकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। सबसे पहले इस राज्य में अपना प्रस्ताव लाए, वो प्रस्ताव लाके जातीय जनगणना कराए। अगर वो वास्तव में ईमानदार इस विषय के साथ है तो करना चाहिए। अभी कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट के लिए भी कहा है, किस तरह से अपने आप को पीछे ला रहे हैं। और देखो, नगर इकाई का चुनाव नहीं हो पा रहा है, लंबित पड़ा हुआ है, लोग अपना जनप्रतिनिधि चुनने के लिए व्याकुल है। लेकिन ये जनप्रतिनिधि का राज ये नहीं चाहते हैं, नहीं ये कराना चाहते हैं। ट्रिपल टेस्ट के लिए एक प्रस्ताव जो गया था पिछड़ा वर्ग का, आपने अखबार में मैंने देखा कि वो निरस्त कर दिया गया है। बताओ ये कर क्या रही है, किसके लिए काम कर रही है और कौन सा काम प्रदेश के अंदर हो रहा है। इस राज्य के सभी समाजों को, वो छुटे हुए समाज के लिए और राज्य की वस्तुस्थिति, सामाजिक वस्तुस्थिति को जानने के लिए बहुत आवश्यक है कि कोई वर्ग छुटे ना। सामाजिक न्याय के लिए यहाँ पर जातीय जनगणना आवश्यक है प्रदेश। उधर गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी के एक बयान पर महिलाओं का गुस्सा भड़क उठा है। उनके बयान को महिलाओं ने महिला विरोधी एवं महिला पर अभद्र टिप्पणी बताते हुए आंदोलन की शुरुआत कर दी है। महिला शक्ति के बैनर तले काफी संख्या में आक्रोशित महिलाओं ने विरोध मार्च निकाला। इस दौरान पूर्व विधायक के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही महिलाओं ने पूर्व विधायक तिवारी की तस्वीर पर कालिख पोतकर चप्पलों से जमकर पिटाई की। उधर सोहो सराय थाना इलाके की 17 नंबर मोड़ के पास पिछले 15 सितंबर को अज्ञात स्कूली वाहन की चपेट में आने से जख्मी युवक की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। मृतक रहुई प्रखंड के भागन बीघा थाना इलाके के मूसेपुर निवासी बताए जा रहे हैं। घटना के बारे में परिवार वालों ने बताया कि पिछले 15 सितंबर को सोहो सराय बाजार की खरीदारी कर एक साथी के साथ वो वापस बाइक से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान 17 नंबर मोड़ के पास बाइक खड़ी कर एक अन्य साथी का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार आ रही स्कूली वाहन ने दोनों को कुचल दिया, जिससे बिंद थाना क्षेत्र के दुल्ला बिघा निवासी रामराज की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी, जबकि गोरेलाल यादव गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। जख्मी होने के बाद उनको बिहार शरीफ सदर अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था, जहां इलाज के दौरान आज उनकी भी मृत्यु हो गई। यह ग्राम मुसेपुर के गोरेलाल यादव उर्फ गौरव भारती, यह मेरा भतीजा था। यह जो है 15 तारीख के सोसराय बाजार आया था, बाजार से लौट रहा था 17 नंबर की ओर। तो 17 नंबर गेट के आसपास बाया साइड में लगाकर दो लड़का से इंतज़ार कर रहा था किसी लड़का को। उसी में अचानक एक लापरवाही का स्कूल वाहन म्यूजिक गाड़ी आकर धक्का मार दिया, जिसमें मोनू कुमार सोसराय का लड़का का डेथ हो गया। यह घायल पूरी जख्मी हो गया। उसके बाद इनको सदर अस्पताल लाया गया, यहाँ से रेफर पटना किया गया। तो पटना में इलाज चल रहा था, वहाँ से भी रेफर किया तो बिहार शरीफ ला रहा था, उसी क्रम में इनकी मृत्यु हो गई। उधर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सीएम बघेल को खुली चुनौती देते हुए कहा कि वो जरा भी हिंदू हैं तो राहुल गांधी को रामलला के मंदिर लेकर जाओ।
यदि चुनावी हिंदू मात्र नहीं है तो राहुल को अयोध्या लेकर जाएं। कांग्रेस दुनिया की सबसे बड़ी सांप्रदायिक पार्टी है। बीजेपी सबका साथ सबका विकास की धारणा पर काम करती है। छत्तीसगढ़ के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उन्होंने कहा कि मैंने जनता के बीच महसूस किया है कि छत्तीसगढ़ की जनता ऐसी सरकार चाहती है कि कहीं बाबर का नाम नहीं रहे, हर जगह प्रभु श्री राम का नाम ही रहे। छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की लहर चल रही है, बीजेपी की सरकार बनेगी और छत्तीसगढ़ विकसित राज्य बनेगा। मैं इस बात ये लोग इनके और हम में अंतर क्या है, ये राम के नाम से वोट भी मांगते हैं और नोट भी मांगते हैं। राम हमारे आस्था के विषय है, राम जन जन में है और राम सबरी के राम है, हमारे जंगल में रहने वाले लोगों के राम है, मेहनत कश लोगों के राम है, कौशल्या के राम है। और कौशल्या चूंकि यहाँ की छत्तीसगढ़ की बिटिया थी इसलिए हमारे भांचा राम है। तो हम लोग उस रूप में पूछते हैं, हम वोट के लिए नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के लोग पहले तो ये जानते थे या तो यहाँ कुछ खदाने हैं या फिर नक्सलवाद है, इस नाम से जानते थे। लेकिन यहाँ के आदि संस्कृति के बारे में कौन जानता था? आदिवासी नृत्य महोत्सव हम लोगों ने कराया, देश और दुनिया जानने लगा कि छत्तीसगढ़ में इतने आदिवासियों की कितने प्राचीन इनकी संस्कृति। उधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिले के दौरे पर रहे, जहां भिलाई नगर निगम में 68 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से 49 कार्यों का उन्होंने लोकार्पण किया, तो वहीं 25 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से 20 कार्यों का भूमि पूजन भी किया। इस कार्यक्रम में सीएम के साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, महापौर नीरज पाल सहित कांग्रेस के कई नेता मौजूद थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आभार कार्यक्रम में सेक्टर 1 नेहरू कल्चर हाउस पहुंचे, जहां बीएसपी हाउस लीज, बिजली बिल हाफ, शुद्ध पानी, आत्मानंद स्कूल को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन भिलाई में किया गया। वहीं भिलाई नगर निगम के अंतर्गत आने वाले अलग अलग स्थानों पर 40 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से 29 कार्यों का भूमि पूजन भी किया गया। सीएम भूपेश ने कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण पर लोकसभा में अभी बिल पेश हुआ है, अभी उस पर चर्चाएं होंगी, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही इस मुद्दे पर बेहतर बता पाएंगे। वहीं बीजेपी के परिवर्तन यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवर्तन यात्रा पहले से ही खत्म हो चुकी है। देश के गृह मंत्री अमित शाह आए नहीं, स्मृति ईरानी वापस चली गई, परिवर्तन यात्रा में भीड़ इकट्ठा नहीं हो रही है, जो भी नेता आ रहे हैं वो बीजेपी नेताओं को डांट कर जा रहे हैं। अमित शाह और बाकी जो नेता आ रहे हैं प्रदेश के नेताओं को डांटने का काम कर रहे हैं, यहाँ के नेता बस डांट खा रहे हैं। उसमें चर्चाएं होगी, कंडिकाएं क्या क्या है उसकी जानकारी तो ना आपको है ना मुझे, जो जानकारी मीडिया के माध्यम से पता चलता है, जो लोकसभा के सदस्य है या राज्यसभा सदस्य वही बता पाएंगे। तो अभी उसको चर्चा माने दीजिए, उसमें कंडिकाएं क्या क्या है तो, और वो कब से लागू होगा कि अभी लागू होगा, किसी गुफाबाजी है कि उसके परसीमन के बाद होगा, परसीमन तक भाई 2021 की जनगणना नहीं हुआ तो परसीमन कहाँ से होगा 2026 में, है ना। तो ये सारी बातें हैं, इसको अभी तुरंत इस लोकसभा चुनाव में लागू करते हैं कि क्या करते हैं ये पहले देख लें। पहले तो ये था वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही थी, जब लोकसभा आहूत की गई थी उस समय चर्चा, तो आप लोग तो बिल्कुल आईडी लगा के सीधा मुंह पूछते थे वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में क्या कहते हैं। अरे भैया सूत न कपास जुलाहम लट्ठम लट्ठा कहाँ है, अब बताओ मुझे वन नेशन वन इलेक्शन है, सारे मीडिया वाले पीछे पीछे घूमते थे हम लोग। उधर सीएम भूपेश बघेल एमसीबी जिले के जनकपुर की सीतामढ़ी हर चौक पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और इसके साथ ही लोकार्पण किया। इस दौरान छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत, मोहन मरकाम, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास, एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे, विधायक गुलाब कमरो, विधायक विनय जायसवाल मौजूद रहे। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पहले राम के नाम पर राजनीति होती थी, उनमें और हम में अंतर ये है, बीजेपी राम के नाम पर वोट भी मांगती है और नोट भी मांगती है, हमारे लिए राम आस्था का विषय है, राम छत्तीसगढ़ के भांजे हैं। वहीं प्रत्याशियों की घोषणा से जुड़े पत्रकारों के सवालों पर सीएम ने कहा, हमारी प्रक्रिया चल रही है, वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा क्या रूप लेगा ये पता नहीं,
वहीं इस कार्यक्रम से पूर्व मुंबई से आई गायक तृप्ति शाक्या ने हनुमान चालीसा गाई। अभी देखो ऐसा है, ये हमारी प्रक्रिया चल रही है, पीसी की बैठक हो रही है, अभी और होने वाली है, लेकिन दूसरी तरफ पूरे देश में ये सुगुफा छोड़ रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, अभी फिर लोकसभा आ गया अचानक, महिला बिल, अब पता नहीं ये क्या स्वरूप ले रहा है क्या नहीं, इसको तो देखना पड़ेगा। महिला बिल के बारे में क्या बोलेंगे सर? हम लोग तो पहले 2010 में ही पारित करा दिए थे, ये लोग तो उस समय विरोध किए थे। सर राजनीतिक जानकार ये बोलते हैं। उधर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसमें महिलाओं को आरक्षण कैबिनेट के द्वारा पारित किया गया है। ये निर्णय देश की नारी शक्ति के हित में निर्णय है। अमृतकाल के भारत में दो कारणों से ऐतिहासिक है। पहला, नए संसद भवन की कार्यवाही शुरू हुई। दूसरा, नए संसद भवन के पहले दिन लोकसभा और विधानसभा में 33% महिला आरक्षण से जुड़ा ऐतिहासिक नारी शक्ति बंधन अधिनियम पेश हुआ। महिला आरक्षण एक लंबित मांग थी। मोदी सरकार द्वारा लाए गए इस विधेयक के पारित होने के बाद नारी सशक्तिकरण से जुड़ी लंबित ये मांग पूरी हो जाएगी। इसका लाभ छत्तीसगढ़ की महिलाओं को भी मिलेगा और हमारे 90 विधानसभा में से 30% महिलाओं को चुनकर जो सामने आएंगी, बड़ी संख्या में महिलाओं का प्रतिनिधित्व विधानसभा में हुआ है। इस ऐतिहासिक कदम के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार। उधर पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने रायगढ़ में बैंक डकैती की घटना पर चिंता जाहिर की है। वहीं भूपेश सरकार की लचर कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाया। ब्रजमोहन ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल, अब तो छत्तीसगढ़ में बैंक भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। छत्तीसगढ़ में इससे पहले बैंक लूट की इस तरह की घटना नहीं हुई। बैंक के मैनेजर को चाकू मार दिया गया। भूपेश बघेल, आप छत्तीसगढ़ को कहां ले जाएंगे? क्या यही है गड़बो नवा छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ को आपने लूट का अपराध का केंद्र बना दिया। शर्म करो बघेल जी। बात कवर्धा की करेंगे, जहां पर परिवर्तन यात्रा में पहुंचे पूर्व सीएम रमन सिंह। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की। आपको बता दें कि रमन सिंह ने इस दौरान कवर्धा पहुंचकर पत्रकारों से बातचीत की और पूर्व सीएम ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए भूपेश सरकार के घोटालों से लेकर टीएस सिंहदेव के बयान और कांग्रेस विधायक के भ्रष्टाचार के विषयों पर इस दौरान चर्चा की। पूर्व मुख्यमंत्री ने भिलाई के खुर्सी पार में हुए हत्याकांड, बीरनपुर में भुवनेश्वर साहू की हत्या और कवर्धा में भगवा झंडे को पैरों तले कुचले जाने को लेकर कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भ्रष्टाचार की बात करते हुए कहा कि जब मुख्यमंत्री 540 करोड़ का कोयला घोटाला, 2161 करोड़ का शराब घोटाला, 229 करोड़ का गोबर घोटाला और महादेव ऐप को संरक्षण देकर हुआ सट्टा के माध्यम से ऑनलाइन फ्रॉड करके इस दौरान करोड़ों की अवैध उगाही कर सकते हैं, तो विधायक का भ्रष्टाचार में लिप्त होना कौन सी आश्चर्य की बात है। मुख्यमंत्री के पास ईडी के द्वारा 2151 करोड़ का शराब घोटाला का 1700 पेज का दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया। कोयले घोटाले के सबूत इतने हैं, विभाग के सचिव स्तर के अधिकारी 7 महीने से जेल में हैं। महादेव महादेव ऐप में 140 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई। तो मुख्यमंत्री जब अरबों खरबों में खेल रहा है तो गरीब यादव विधायक 10-50 हजार खा लेगा तो क्या अपराध कर दिया? वो बेचारा नोट को दिखा दिया, उसका अपराध यह है, बाकी लोग होशियार है छिपा कर, पर वो सीधा साधा आदमी है, उसने अपने 50,000-1,00,000 नोट को दिखा दिया। ये तो कांग्रेस की संस्कृति है, उनकी पहचान है, इसमें नई बात।
वहीं कवर्धा में थाना सिघनपुरी के अंतर्गत कोयलारी में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत ग्राम खेल समिति और ग्रामवासियों के सहयोग से कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कबड्डी प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर कबीरधाम पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। पुलिस अधीक्षक के गांव पहुंचने पर हजारों की संख्या में उपस्थित ग्रामीणों ने पारंपरिक तरीके से उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अभिषेक ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रकार का आयोजन जिले के सभी थानों में समय समय पर कराया जा रहा है, जिसका उद्देश्य जनता और पुलिस को आपस में जोड़े रखना है, ताकि हर प्रकार से आमजनों को भयमुक्त, अपराध मुक्त, नशा मुक्त कर आम लोगों के बीच सरलता से पहुंचा जा सके। वहीं थाना प्रभारी ने आभार व्यक्त करते हुए सभी टीमों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान उपस्थित ग्रामवासियों को किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल थाने आकर या दूरभाष के माध्यम से सूचित करने के लिए कहा गया है। नर्मदापुरम से कांग्रेस के पूर्व विधायक गिरिराज शंकर शर्मा ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लोग ज्यादा परेशान हैं। हम चाहते हैं कि प्रदेश में सरकार बदले और कांग्रेस की ही सरकार बने। भारतीय जनता पार्टी ने कई व्यवस्थाएं बिगाड़ रखी हैं। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी टिकट देती है तो सुहागपुर विधानसभा क्षेत्र से ही चुनाव लड़ेंगे। हमें नर्मदापुरम से लड़ने की कोई बात नहीं है। गिरिजा शंकर ने कहा कि जिस तरह कमलनाथ प्रदेश के प्रशासक रहे हैं, 1.25 साल की सरकार में जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म दिखाया है, जब हम 10 साल विधायक रहे तब से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नर्मदा के गंदे नाले को डायवर्ट करने के लिए योजनाएं बनाते रहे, लेकिन 20 साल बीत जाने के बाद भी वो नाले वैसे ही नर्मदा में मिल रहे हैं। लेकिन हो कुछ नहीं पाता है। मुझे लगता है कि इसमें मध्य प्रदेश सरकार की और इसके अफसरों की लापरवाही ज़्यादा है। स्थानीय स्तर पर बहुत ज़्यादा ना तकनीकी जानकारी है नगर पालिका को या किसी अन्य विभाग को, और ना ही इतने फंड हैं जितने उसमें ज़रूरी होंगे। तो पिछली सरकार ने तो 20 साल उनकी सरकार रही, लेकिन कभी उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारी प्राथमिकता होगी कि यदि कांग्रेस सरकार आए तो इस बिंदु पर सरकार का तुरंत ध्यान दे जाए और जरूरी वित्तीय और तकनीकी सहायता सरकार प्रदेश से उपलब्ध कराए। प्रदेश सरकार सड़कों का जाल बुनना एवं यूनाइटेड स्टेट से बेहतर सड़कें बनाने का दावा करती है, मगर ये दावा उस वक्त हवा हवाई साबित होता है जब जमीनी स्तर पर ये योजनाएं दम तोड़ती हुई नजर आती हैं। ताजा मामला पन्ना जिले की अमानगंज तहसील अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत जाज गांव के मडिया राव ग्राम का है। एक 32 वर्षीय महिला विनीता जो व्रत करने के बाद सुबह तड़के नहाने के बाद कपड़े उठाने गई, वैसे ही अचानक महिला को करंट लग गया। करंट लगने से महिला की हालत गंभीर हो गई। परिजन महिला को आनन फानन में चारपाई के सहारे कामताना ग्राम लेकर पहुंचे। उसके बाद 108 के माध्यम से महिला को अमानगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां महिला को चिकित्सकों ने देखकर मृत घोषित कर दिया। हालांकि इस ग्राम के लोग 2018 में भी चुनाव का बहिष्कार कर चुके हैं, लेकिन सरकार ने उनकी तुरंत मांग पूरी करने का आश्वासन दिया था और फिर ये लोग वोट डालने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन अभी तक सड़क क्यों नहीं बनी, ये जांच का विषय है। उधर देर रात नगर निगम पटियाला और पुलिस बल द्वारा प्रसिद्ध काली माता मंदिर के बाहर लगी प्रसाद और अन्य सामान की दुकानों को हटवा दिया गया। दुकान पर हुई कार्रवाई से दुकानदारों में नाराजगी देखने को मिली। इसी को लेकर दुकानदारों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं मंदिर कमेटी दुकानदारों के समर्थन में सामने आ गई है। इस मौके पर हिंदू सुरक्षा समिति के प्रधान राजेश केहर ने बताया कि कई वर्षों से यहां दुकानदार प्रसाद और अन्य सामान बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। देर रात पुलिस बल के साथ नगर की टीम यहां पर पहुंची और दुकानों को हटवा दिया गया। हमारी मांग है कि कहीं और दुकानों के लिए जगह दी जाए। आज इतनी रात कुछ पता लग गया कि ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ,
और उस संबंध में सवेरे मेरी पुलिस साहब के गल होगी है, असं उन्होंने को जावे अपनी मंगा रखा, क्योंकि इन्होंने जोड़ा उजाड़े गया साड़ी जी डिमांड है कि इन्हों मुड़ के बसाया जाए कितने होर जगह दिखी जाए जिते इन्हों का गुजारा पत्ता जोड़ा है अपना परिवार पाल सकन और अपना कामकाज चला सकन। अज किसी भी वेले असं पुलिस साहब को टाइम लेके मिलेंगे, समस्या हल होएगी नहीं हल होएगी फिर देखा जो भी बनती कार्रवाई सारे भाई कहेंगे। उधर जोधपुर के मारवाड़ खटीक समाज भवन में लाइब्रेरी बनाई जाएगी, इसमें विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से 20 लाख रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने योजना के तहत राशि खर्च करने के लिए विशेष अनुमति प्रदान की है, इससे 10 लाख रुपए के स्थान पर अधिकतम 20 लाख रुपए की राशि से कार्य हो सकेगा। इस लाइब्रेरी में सभी वर्गों के युवा एक साथ पढ़ाई कर सकेंगे। यही अप्रोच रखी गई थी सरकार की तरफ से और उसका लाभ मिला राजस्थान को, क्योंकि राजस्थान की जनता भी इन्वॉल्व हो गई, पूरे प्रदेशवासी इन्वॉल्व हो गए थे उस कैंपेन के अंदर। मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, तुम्हारे कहते घर है, चाहे जनप्रतिनिधि थे, हमारे विधायकगण थे, एनजीओ थे, एक्टिविस्ट थे, धर्मगुरु थे, किसी ने कमी नहीं रखी एक दूसरे की इमदाद करने में, मदद करने के अंदर। वो तारीफ काबिल था, माहौल देखने लायक था और पूरे देश ने उसको इस बात का एहसास भी किया। फिलहाल राज्य से जुड़ी हुई खबरों में मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।